हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए काले चने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपने इस तरह से इसको बनाकर खा लिया या किसी को बनाकर खिला दिया ना, तो हर कोई तारीफ के बिना नहीं रह पाएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक चटनी बनाकर तैयार करेंगे। इस चटनी से क्या होता है, ये जो चने हैं इसका टेस्ट दो गुना बढ़ जाता है। एक बार ज़रूर इस तरह से बनाएं। हमने यहाँ पे 6-7 लाल मिर्च ले ली हैं और साथ में 3-4 लहसुन की कलियाँ लेनी है, थोड़ा सा नमक लेना है। मतलब आपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दिएगा इसमें, बाकी आप चनों में अगर कम लगे तो आप उसमें देख लीजिएगा। और साथ में हमने डाल दिया यहाँ 2 से 2.5 बड़े चम्मच आमचूर पाउडर। अब इसको पीस लेना है थोड़ा सा पानी ऐड करके, और थोड़ा सा ज़ीरा भी हमें डालना है, 1/2 छोटा चम्मच। यहाँ पर एक बर्तन में हमने कुकिंग ऑयल गर्म किया, एक मीडियम साइज़ का चम्मच, एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट लिया है। प्याज जैसे ही हल्का सॉफ्ट हुआ, प्याज का कलर जैसे ही चेंज हुआ, हमने यहाँ मीडियम साइज़ का टमाटर छोटा छोटा कट के डाल दिया है, और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। अब टमाटर जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता, यानी कि अच्छे से गल नहीं जाता, तब तक इसको हमें लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है। अब करना क्या है, ये चटनी आपको पूरी नहीं डालनी है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करिएगा। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए, कम तीखा पसंद है तो कम ऐड करिएगा। बस चटनी डालने के बाद ये जो हमने पीसी थी वो डाल देना है, मसाले के साथ में इसको अच्छे से भून लेना है जब तक कि ऑयल अलग नहीं हो जाता। बाद में हमने उबले हुए चने ऐड कर देने हैं। चने डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है, और चने जो है ना पूरी अच्छे से उबाल लें। एकदम बढ़िया से हमने इसको उबाल लिया था, नमक ऐड करके, हल्का सा नमक ऐड किया था इसमें और बाकी चटनी में हमने मिलाया था। तो आप चेक कर लिए, अगर कम लगता है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर दिएगा। पानी पूरी तरह से खुशक कर लेना हाई फ्लेम पे इसका। और उसके बाद हमने यहाँ पर डाल दिए थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आपको अगर लगता है काले चने बहुत टेस्टी बने तो आप इस तरह से ज़रूर बनाकर ट्राई करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब अच्छे से ये पानी खुश्क हो गया है, बढ़िया से भुन गए हैं चने। हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया, एक छोटा टमाटर लिया जिसके बीज निकाल दिए थे, और बाकी इसको छोटा छोटा काट के इसमें मिला देना है। आप चाहें तो प्याज भी डाल सकते हो, लेकिन आप प्याज अगर कच्चा खाना नहीं पसंद करते तो नहीं ऐड करें। उम्मीद है आपकी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर दिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।